आज आपको लेके चलते हैं बहुत ही बेहतरीन जगह हाइलरबर्ग, वो भी 2 रुपए में। 2 रुपए तो ऐसे हो गए हैं कि सबसे सस्ती चीज सिर्फ यही की है ट्रेन यात्रा, और ट्रेन भी खाली मिलेगी आपको, आप चाहें तो जैसे चाहे घूम सकते हैं यहाँ पे। कॉस्टाबर्ग पे आपका स्वागत है। आप यहाँ पे उतरेंगे तो आपको चाय या कॉफी मिलेगी, क्योंकि सीना का ऑफिस यहीं पे है। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे आपका स्वागत है। छोटे छोटे फार्म हाउस, आपको हमेशा ये वाली लाइन छोड़ के रखनी है, जिसको जल्दी है वो इससे जाएगा। आपको राइट में खड़े होना है, ये कभी पे भी आप इंडिया की तरह पूरा घेर के ना खड़े हो जाएं। जैसे कि भाई साहब को जल्दी है तो ये अलग से चलेगी। फ्रैंकफर्ट मेन स्टेशन पे आपका स्वागत है। यहाँ से आपको नेशनल ट्रेनें मिलेंगी। रेस्टोरेंट में अंदर भी सीट थी, पर हमको बाहर का सीट बहुत ज़्यादा पसंद है बाबू। इतने सारे आलू हैं, आप चूज़ करो कौन सा खाना है यार, सिंपल नहीं हो सकता था भाई। अगर आप सर्विले बच्चे हैं तो आप यहाँ से मेन्यू चूज़ करके, यहाँ नीचे कार्ड से पेमेंट करके और आप काउंटर पर लेके आप अपना खाना ले सकते हैं। सेल्फ सर्विस, फुल सेल्फ सर्विस भाई। कोक जीरो ज़रूर लेते हैं, जैसे कि बहुत ही अच्छा काम करेगी कोक जीरो। जो है ना सबसे ज़्यादा नुकसान करती है भाई। भाई पहले सोया चाप वालों ने खून पिया था, अब जो वीगन बन गए उनके, मतलब चिकन की इनकी लालसा पड़ी होती है तो वेगन वालों ने चिकन भी बना दिया नकली चिकन। तो अगर मन आदमी का चिकन खाने को ही कर रहा है तो आदमी चिकन ही खा ले ना। सोया चाप वाले भी यही तो करते हैं, नाम उनके सारे ही आपको मिलेंगे, नॉन वेज वाले। आप भी टेस्ट करके देखो कैसा है, खा के देखो। नकली चिकन देखा है आपने, ये वीगन वालों ने क्या नाश मारा देखो। एक भाभी भी है वीगन, वीगन करती रहती है, इससे अच्छा तो वेगन आर ले लेती हो। नकली चिकन देखो यार, या प्लांट से भी चिकन बनता है क्या कहीं पे? इतनी भाभी देख लो, वीगन के चक्कर में मेरे 5 यूरो ज़्यादा लग गए। सुन रही हो निक्की भाभी, 5 यूरो आपसे ले लूँगा मैं। आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि आपको टाइम बिताना है और आप अपनी ट्रेन का टाइम भी देख रहे हैं। तो जो इधर वाले लोग खड़े हुए हैं हमारी ट्रेन में, तो 1:02 का है और टाइम हो रहा है लगभग 1 बजने वाला है। ट्रेन आते ही आपको बिठाते हैं। ट्रेन 8 मिनट पहले ही आ गई है, 8 मिनट में उड़ भी जाएगी, सारा कुछ 8 मिनट में होने वाला है। इसमें बाहर की सीट हमने घेर ली, बस भाई साहब बाहर का दिख रहा होगा आपको, इतना स्पेस काफी है बैठने के लिए। ये देखिए ये है, और दूसरी वाली ट्रेन चल रही है, ये फास्ट वाली आई सी, ये आपको 1 घंटे में 250 किलोमीटर चलाएगी, चली भी गई है। फ्रैंकफर्ट मेन का अंदर से बाहर, हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए, ग्राउंड फ्लोर नीचे था। बहुत टेम्परेचर बहुत ही शानदार हो रखा है, 15 का टेम्परेचर है। इसमें आप चाहे तो लेट भी सकते हैं ऐसे करके और ऐसे करके, ये सुविधा है यहाँ पे। अगर सीट खाली है कोई देखने वाला नहीं है। दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे 68 लिखा हुआ है और यहाँ पे 67 लिखा हुआ है। इसमें 2 ट्रेनें जुड़ी हुई हैं, बाद में हमें पता लगे आगे वाला डब्बा जो जाएगा वो इधर जाएगा, जो पीछे वाला डब्बा है वो उधर रह जाएगा। तो जर्मन की ट्रेन में बैठने से पहले आप ये पूरे तरीके से समझ लें ट्रेनें कैसे चलती हैं, अदरवाइज़ आप जाएंगे जम्मू पहुँच जाएंगे कश्मीर, तो मेरी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आने वाली है। और निशान ये लगा हुआ है कि जो आगे वाला है वो 67 है, तो सॉरी 68 है, 67 पीछे वाला है। याद रहेगा क्या बाबू आपको? आपको 32 बस लेनी है, पानाप से उतरते यानी कि रेलवे स्टेशन से उतरते ही
जो आपको यूनिवर्सिटी पे लेके जाएगी वहीं से सारा कुछ अट्रैक्शन है आपका। नमस्कार। पूरे यूरोप में आपको म्यूजियम तो मिलेगा ही, तो यूनिवर्सिटी म्यूजियम हाइडलबर्ग और 1864 से 70s में बनी हुई। और आपका इंटरेस्ट है वैसे पुरानी चर्च देखने का, आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं यहाँ के। मैं मांग चुका हूँ, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, आप भी अच्छे कर्म करने शुरू कर दें। ये पूरा पार्ट है हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी का, उधर से शुरू हुआ है और ऐसे करके काफ़ी दूर तक आप चलते जाएंगे आपको पूरी यूनिवर्सिटी ही मिलेगी। लगता है काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ, आपको देख के आएगा स्कॉटलैंड याद, कुछ वैसी गलियाँ हैं। कौन था मेरा और नीचे पड़ा हुआ था, ये बात है। ये स्ट्रीट बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे सीधा जा रहा है और अब वापस चले जाएंगे तो वहाँ चर्च पे जाके ख़त्म होगा। ये चर्च मैंने शुरू में रिकॉर्ड किए, उसके बाद आपको ऐसे चलते रहना है। बीच में फाइव गाइस जाएगा, वहाँ से आप कुछ ले लें। दोस्तों रिकॉर्डिंग तो बाद में भी हो जाएगी, पहले खाना खा लें, ये मानता ही नहीं है इतना बच्चा, शैतान बच्चा है मेरे पास एक। बाहर बैठ के खाने का आनंद ही कुछ और है बस। अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा है आप बाहर बैठ जाओ, दो बियर पकड़ लो, एक मेरे लिए एक अपने लिए, खाते रहो पीते रहो चलते रहो। रिवाइज जो 50% छूट चल रही है बस, मेरा कैमरा ऑन होता मुझे पता ही नहीं होता, और ये ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर हो जा रहा है। मैं यूँ रिकॉर्ड भी कर लूँगा और लोगों को ज़्यादा एतराज़ भी नहीं होगा। गैलेरिया मॉल आपको पूरे जर्मनी में हर स्टेट में मिलेगा, मुलर भी आपको हर स्टेट में मिल जाएगा, राम भी मिल जाएगी। और हमको जाना है राइट, ये यहाँ की मर्सिडीज़ खड़ी हुई हैं, एक मर्सिडीज़ मेरे पास भी थी जो अब थी में चली गई है।
कीमे क्यों हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। सोचिए ना बस साइकिल ले लें। देखो मैडम आ रही है साइकिल पे, साए साए आप पूरा जर्मन क्या पूरा तीन चार कंट्री इसी किनारे किनारे आप जो है ये आ गई हैं। आ गई पता नहीं लगा मुझे तो इस कैमरे में पता नहीं लगता। हाइडलबर्ग में आपका स्वागत है, हाइडलबर्ग की नदी में स्वागत है। आप यहाँ से कूदेंगे, बहुत ठंडा पानी है, मज़ा ही आ जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ से, ये आपका हरिद्वार और क्या ऋषिकेश, दोनों का मज़ा यहीं पे आप ले सकते हैं। अपने पापों को यहीं पे धोके चले जाएं, इसको भी थोड़ा मैला कर दें। अभी इनके वजूद की लड़ाई लड़ रहे थे ये कौवे महाराज जो हैं, इनके एरी में घुस गए, इकट्ठे हो गए, इन्होंने उसे भगा दिया। एकता में अनेकता इन्होंने दिखाया अभी। इसमें ना बैठे, इसके साथ साथ चल रहे, फील वही आएगा आपको जो एक मैं वीडियो में डाल चुका हूँ। इसके साथ साथ साइकिल चला लें उस वाले ट्रैक को, उधर ज़्यादा अच्छा लगेगा वो आपको। ये भी इंतज़ार कर रही हैं कब जाएंगे। कितनी बोरिंग लाइफ है इन लोगों की, सारा दिन पानी पानी के ऊपर, कुछ नहीं करना इनको, इधर से उधर उधर से इधर। कैसा नज़र आ रहा है आपको? आ रहा होगा पक्का, नज़र आ रहा होगा बस। इन लोगों में कंपटीशन है कौन अनोखा घर बनाएगा। देखिए आगे तीनों ही डिफरेंट टाइप के घर हैं। सामने हैदराबाद की यूनिवर्सिटी बिल्कुल सामने, उसके और आगे देखेंगे तो कैसल नज़र आना शुरू हो गया है। इस कैमरे को नज़र आता नहीं आता है, ये रिकॉर्डिंग के बाद पता लगेगा, मेरी आंखों को नज़र आ रहा है। ये वाली यूनिवर्सिटी है हैदराबाद की। यहाँ पे देवियों की फ़ोटो देखें आप, फ़ोटो बोलेंगे स्टैचू बोलेंगे, बेचिंतित हैं सारे। उन्होंने आँखों पे पट्टी बांधी है, जैसे हमारे यहाँ कानून को पट्टी उड़ा देते हैं वैसे इनके हाथ में भी किताब है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे उससे कानून से प्रभावित हैं। ये इनका कैसल है, कैसल हमेशा ऊपर ही होते थे, राजा साहब हमेशा ऊपर ही अपनी जान बचा के खड़े हो जाते थे, प्रजा नीचे कटपट लेती थी, तो भाई साहब अपने ऊपर आराम से देखते रहते थे कटते हुए। दरवाजे इनके शानदार ही मिलेंगे, इंडिया में तो एडवर्टाइज लग जाएगी, एडवर्टाइज भी इतनी भद्दी लगेगी कि आप मैं बोल भी नहीं पाऊँगा। किसकी ऐड लगी है इसके लिए आपको प्रयागराज वाला मेरा एपिसोड देखना पड़ेगा, तब पता लगेगा वहाँ पे क्या क्या उन्होंने ऐड लगाई हुई है। जबकि किसी भी सिटी का जो दरवाज़ा होता है उसकी पहचान होती है, उसी से उसका पता लगता है कि वो कैसे हैं। उधर देवियाँ थी, इधर देवता महाराज जी हैं। अब इसकी जो ऐसे चौड़ाई है वो 200 मीटर है और 1284 से 21 में इसे स्टार्टिंग हुई है और आज तक चल रहा है। लास्ट 1947 में इसमें कुछ काम हुआ है, अदरवाइज़ ये भाई साहब ऐसे कैसे ही खड़े हुए तने हुए। पहली बार स्कूल वालों को देख रहे हैं कि ड्रेस में है, कहीं दूर से आए हैं ये।
तो पीछे जो ड्रेस में था स्पेन से आए हैं, मिस्टर डेविड ने बताया चाइनीज खाना है आपको तो इधर में मिल जाएगा। ये पूरा हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सुंदर यूनिवर्सिटी है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। साथ ही आपको इधर से यूनिवर्सिटी के सामने आपको ये नदी चलते फिरते दिख जाएगी, जाना सीधा सीधा ही है। चिकन वाला ले लो आप, खा लो। नहीं खाएगा? नहीं, वी कैन हैव चिकन वाला। लॉबस्टर खाएंगे आप? लॉबस्टर खाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ओके खाने बहुत इसका लॉबस्टर। 450 यूरो कितने का था? 450 का सिर्फ इतना मिलेगा आपको वापसी मेट्रो स्टेशन पकड़ने के लिए। इधर से जाना है, ऐसे ऐसे और भी जाना है। शाम का मौसम बड़ा सुहावना हो गया। तो दोस्तों ये जो लाइन आ रही है ये ब्लाइंड वालों के लिए होती है, जो वहाँ से चौराहे से आएंगे, लेफ्ट जाना है राइट जाना है यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ से उसको लेफ्ट जाना है राइट जाना है, फिर ये इसलिए है कि नीचे जीना होता रहा है। अभी भी मैंने एक बच्चे से पूछा कि आपको पता है कि ये किसके लिए बनाया जाता है, तो उनको नहीं पता था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को नहीं पता होगा, जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए स्पेशल लाइनें बनाई होती हैं।